नहीं दे। देखिए बेटा, आज हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूलाज मैं बता देता हूँ कि किस तरह से या किस तरह से उनके ऑप्शंस कौन से सही है। पेपर तो आपको भेज दिया था बेटा। अब देखिए, फर्स्ट जो है वो हमारे पास है, ठीक है। ये अब ये जो है वो थेरेटिकल है क्वेश्चन और इजी भी है। क्वेश्चन 145 है, बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्क्युलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड, देन वी कैन से दैट बॉडी इज। देखिए, वेरिएबल स्पीड होती है, मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलेशन जो होती है वो तीनों होती है। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मकसद है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तीनों पैदा होती है। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इट इज। देखिए, ये आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम जो है वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब एंगुलर मोमेंटम होता है इज इक्वल टू एम वी आर है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। अगर ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर मोमेंटम सॉरी। 147 है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टॉर्क जीरो होता है और फोर्स टेंजेंशियल जीरो होती है। उसके अंदर जो ये बॉडी मूव करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं होती। टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये दोनों राइट स्टेटमेंट्स हैं। आप को इसमें कौन सी बतानी थी, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे तीनों। इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन है 148 है, ठीक है। 148 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि इफ अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, बॉडी के बारे में कहा गया है कि सर्कुलर मोशन के अंदर है। अब कोई भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सेम। तो बेटा ये तो सेम होता है, हमने किया था कि रोटेटरी मोशन के अंदर हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है जितना बॉडी का होता है, या एंगुलर वेलोसिटी भी उतनी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सेम, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सेम। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब ओमेगा सेम होती है तो फिर वेलोसिटी डिपेंड करती है आर पे। इसका मकसद है कि जो पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इस तरह से बॉडी है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये आर अपॉन टू पे, और पार्टिकल यहाँ पे आर पे, तो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ये हमने डेटा के साथ किया था क्लास के अंदर। 149 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये होती है वी इज इक्वल टू, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, ओमेगा कैंसिल
क्रॉस आर के, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जबकि रे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेस ऑफ रोटेशन हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। रेडियस टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, आपको पता है रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन ऑलवेज पैरेलल होते हैं, तो ये भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होते। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द एक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड इज। देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने आपको ये बात बहुत जोर दे के बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बाकी इसका डायरेक्शन भी जो होता है, यहाँ पे जो है वो साउथ की तरफ है और यहाँ पे वेस्ट की तरफ है, तो डायरेक्शन इसका भी चेंज हो रहा होता है। तो इसके अंदर देन द एक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सीलेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल होती है, तो सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता, चेंज हो रहा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन जो होती है वो चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से पैदा होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल के। ठीक है, अब देखें इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर है, सपोज करें हमारे पास है 178 है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी व्हिच स्लोज डाउन फ्रॉम 600 आरपीएम टू रेस्ट इन 10 सेकंड। देखिए आपको पता है ओमेगा इनिशियल है 600 आरपीएम, 2π/60। ओमेगा फाइनल है 0, टाइम है आपके पास 10 सेकंड, तो एंगुलर एक्सीलेशन हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। 179 है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। इट हैज अ कांस्टेंट एक्सीलेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड फॉर 1 सेकंड, देन इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स। देखे ये रेडियस दिया हुआ है, ये एंगुलर इनिशियल दी गई है, ठीक है, और ये आपके पास अल्फा दी गई है, ये आपके पास टाइम है, आपसे जो मांगा गया है वो फाइनल मांगा गया है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग व्हील इज 2 रेडियन पर सेकंड, ये है ओमेगा इनिशियल। इफ इट रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलेशन, यह है इसका अल्फा, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड के बाद थीटा कितना है। ठीक है, आपको पता है कि हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा भी पढ़ा है, इनिशियल भी पढ़ा है, टाइम भी पढ़ा है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा ये नंबरिंग इधर उधर होगी, बाकी मैं कर लूंगा सब, तो उसमें खुद ब खुद ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है। टू पार्टिकल विद देयर मासेस इन द रेशियो 2:3 परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ ऑर्बिटल रेडिया इन द रेशियो 3:2। इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज द सेम द रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड्स इज। देखिए m1/m2 इज इक्वल टू 2/3 है, r1/r2 इज इक्वल टू 3/2 है, f1 इज इक्वल टू f2 है, ये हो जाएगा m1v1² / r1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2v2² / हो जाएगा r2।
एम वी स्क्वायर अपन आर होता है इसका फार्मूला। अब आपको रेशियो किसका चाहिए, रेशियो जो है वो इसका चाहिए, देखे वी वन अपान वी टू, वी वन स्क्वायर अपान वी टू स्क्वायर, ये आएगा इस साइड पे और ये हो जाएगा एम टू, ठीक है, और ये चला जाएगा आर वन इसके पास और ये हो जाएगा इस तरह से एम वन आर टू। अब आपको एम वन अपान एम टू दिया हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है वी वन अपान वी टू इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एम टू आर वन अपान एम वन आर टू करना है और इसके अंदर आपको एम वन अपान एम टू दिया लेकिन आपके पास एम टू अपान एम वन है तो आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू थ्री अपान टू, इस तरह से कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर एम टू अपान एम वन की वैल्यू ये है थ्री अपान टू रखोगे और आर वन और आर टू की वैल्यू सीधी रखनी है तो आपके पास ये आ जाएगा। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज हाफ्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ एंगुलर स्पीड देखे आपको पता है ये हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको हाफ करेंगे मींस वन अपॉन टू ऑफ ओमेगा करेंगे तो ये हो जाएगा वन फोर्थ क्योंकि स्क्वायर होता है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देखिए कांस्टेंट स्पीड का मकसद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करते हैं, सपोज करें एक बॉडी है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सपोज करें ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, एक बॉडी अब इसका डायरेक्शन करते हैं रिवर्स, डायरेक्शन करते हैं रिवर्स, अब ये आ जाती है क्लॉकवाइज, भले इस तरह क्लॉकवाइज वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये हो जाएगा चेंज लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन पहले भी वही थी बाद में भी वही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले भी टुवर्ड सेंटर था बाद में भी टुवर्ड सेंटर है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए रखें, ये एक पॉइंट बनती है कि जब किसी भी बॉडी की रोटेशन का चेंज होता है, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है और घूम के एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्ट चेंज हो जाता है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन दोनों का कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस, ठीक है, डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ नेचर ऑफ रोटेशन, नेचर ऑफ रोटेशन से इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब आ जाते हैं आगे, अब देखिए ये आपके पास है A particle starts from rest and moves in a circle with constant angular acceleration of 8 pi radian per second square. It will reach a speed of 56 radian per second after time. देखें इसमें कहा गया है कि starts from rest means omega initial 0, omega final 8 pi है, alpha आपके पास 56 sorry. ये एक मिनट, ये मैंने वैल्यू उल्टी लिखी है, ये आपके पास 56 पाई होगा और एक्सीलेशन है 8 पाई, ठीक है, तो इट विल रीच ए स्पीड कितने टाइम के बाद, देखिए आपको पता है अल्फा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, तो टी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन अल्फा आ जाएगा आंसर। In automobile whose speed is increasing at the rate of
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड के इंक्रीज होने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आती है। ट्रेवल्स अलॉन्ग अ सर्क्युलर रोड ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका ये है आपके पास रेडियस। व्हेन द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मकसद है वी, इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? आपसे पूछा गया है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो होती है वो अल्फा आपको बतानी है, अल्फा क्या है। देखिए आपको पता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है आर अल्फा, अल्फा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपॉन आर। इफ एट अ कांस्टेंट रेडियस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, बेटा कांस्टेंट रेडियस है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, व्हाट हैपेंस टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। देखिए अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से प्रोड्यूस होगी अल्फा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि लीनियर वेलोसिटी को क्या होगा, तो आपको पता है कि ये रिलेशन होता है, रिलेशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर ये है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा के, तो इसका मकसद है अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इट इंक्रीजेस बिकॉज लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी इफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो वी इंक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कांस्टेंट रेडियस है, रेडियस को क्या रखा गया है, रेडियस को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। रेडियस हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास है, और क्वेश्चन अब देखिए 187 है। अ बॉडी इज टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड वाइल्ड राउंड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एट एनी इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 4 जूल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो 4 न्यूटन, देन द रेडियस ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू। देखिए इसका मकसद है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इनकी दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी और इसको कहा जाता है न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ एम, एम वी स्क्वायर है, वी होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर, कैंसल कैंसल, ये हो जाएगा इस तरह से, एक आर गया आर में, तो हाफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2, ठीक है, रेडियस 2 हो जाएगा। एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग एट सेम स्पीड, ठीक है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होगा जब मास इंक्रीज होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मींस यहां पे क्या कहा गया, मूविंग एट द सेम स्पीड। अब इसका मकसद है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होगी अगर वी स्क्वायर अपॉन आर दोनों फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट हैं, तो आर तो वैसे भी कांस्टेंट समझा जाएगा, तो इंक्रीजेस बिकॉज The centripetal force is directly proportional to the mass of a rotating body. ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे।
देखिए इसके अंदर कहा गया है, 189 के अंदर कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द टॉर्क अप्लाइड टू गिवन मोमेंट आर्म विदाउट अप्लाइंग मोर फोर्स, मींस फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, तो टॉर्क कैसे बढ़ा सकते हो? टॉर्क होता है आर इंटू एफ, अगर एफ कांस्टेंट होगी तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मोमेंट आर्म, द फोर्स शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द मोमेंट आर्म एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द पिवोट, मीन्स जितनी फोर्स आप दूर, अगर यहाँ पे लगाओगे टॉर्क कम होगा, यहाँ पे लगाओगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क टू जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा टॉर्क वन से, क्योंकि आर वन ज्यादा है आर टू से, सॉरी आर वन कम है आर टू से। द कार ऑफ अ व्हील, द व्हील ऑफ अ कार होगा रोटेटिंग विद द सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड, इफ इट मेक्स 40 रिवॉल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग देन इनिशियली इट वॉज रोटेटिंग विथ द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई है हर्ट्ज के अंदर के फ्रीक्वेंसी कौन सी है, द कार द व्हील ऑफ अ कार होगा, अब इसमें देखें इसके अंदर कहा गया है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पहले आपको बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी कब होगी तब आप जाके फ्रीक्वेंसी बताओगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 2πfk, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी अपॉन 2πk, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, टाइम हो जाएगा 10 सेकंड्स, और इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आपको देखनी है। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 40 रिवॉल्यूशन है, 40 रिवॉल्यूशन का मकसद होता है इस तरह से कि 40 रिवॉल्यूशन अगर है ना तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 40 इंटू हो जाएगा 2π, ठीक है, तो इस तरह भी निकल सकता है इसे, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 80π रेडियन, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यहां से भी आप निकाल सकते हैं और फिर आप यहां पे रखोगे तो आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ओमेगा फाइनल हो जाएगा आपके पास 80π अपॉन 10 सेकंड, ये हो जाएगा 8π, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा इनिशियल अपॉन 2π, ये हमारे पास 8π अपॉन 2π, पाई पाई में कैंसल इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। इसके ऊपर बहुत एतराज हो रहा था बच्चों को क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आंसर अलग है, मुझे पता था इसके ऊपर एतराज होगा क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इसका ऑप्शन हर्ट्ज में दिया हुआ है और कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की गई, तो मुझे पता था इसके ऊपर आपको मसला होगा, इस तरह से होता है। अ बॉडी ऑफ हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m² रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 rads/s हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज मास ऑफ 12 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, देखिए अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 rads हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी, मींस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/2 mv², तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv², कैंसल कैंसल कैंसल, तो v² हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते, ठीक है। यहाँ पे
मास भी दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप इसको इस तरह नहीं करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंस दिया बेटा, तो आप नहीं करोगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेंस में आप करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से मैं करता हूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, तो हाफ में चला जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम। तो आई कितनी है 3 और ओमेगा स्क्वायर कितना है 4, क्योंकि 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा मास हो जाएगा 12 इज इक्वल टू होगा 1। तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, इस फॉर्मूले से आएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। अब देखिए, इफ अ बॉडी रोटेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियल लेंथ, देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है बेटा। और ये जो हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा, ये इस तरह से हो जाएगा आई जे और के। ठीक है, आई हो जाएगा 7, 3 और 1, और ये हो जाएगा -3, 1, 5 इस के अंदर फॉर्मेट के अंदर करोगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स ऑन बॉडी। क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। इसका मकसद है के चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो 0 रहेगी, अगर टॉर्क जो है वो 0 होगा। एक फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद है हमारे पास 195 है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द एज ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, हाउ मच टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द व्हील। बेटा ये हमारे पास आर है और ये आपके पास फोर्स है, तो टॉर्क हो जाएगा आर इंटू एफ। अ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस नो टॉर्क बेटा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से ये मोमेंट आर्म है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे तो टॉर्क होगा, लेकिन अगर फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो मोमेंट आर्म हो जाएगी 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको पता है कि जब फोर्स मोमेंट आर्म्स जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन से गुजरेगी तो मोमेंट आर्म 0 होगी, टॉर्क 0 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड लेंथ मोमेंट आर्म। टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, 3 चीजों पे, आर पे, एफ पे और एंगल पे। व्हेन अ स्टेडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी द बॉडी गेट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि आपको पता है टॉर्क होता है आई अल्फा, ये मैंने आपको लिखवाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ एंगुलर मोशन, मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के। टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब देखिए 199 है क्वेश्चन, 199 के हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील।
देखिए ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, एल इनिशियल है, ये है एल फाइनल, डेल्टा एल हो जाएगा 100, तो टॉर्क होता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, बेटा ये एंगुलर मोमेंटम सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये आर और पी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखिए इसके बाद है जो रहे हुए क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल, इस तरह से हम करते हैं बेटा राइट हैंड रूल से, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वर्क डन ऑन एफ सी इज जीरो, ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो जीरो होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज ओमेगा, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो तो वर्क भी जीरो, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन लीड्स टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपको पता है इस तरह से होता है कि ये जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल से ये 90 डिग्री आगे होती है, तो लीड करती है 90 डिग्री पे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स, बेटा वही सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ पे डायरेक्शन बेटा इसका है टूवर्ड्स वेस्ट, जब ये यहाँ पे आएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है साउथ की तरफ, और जब बॉडी यहाँ पे आएगी तो ईस्ट की तरफ, यहाँ पे आएगी तो नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन आपको समझाए थे क्लास के अंदर, तो चेंजेस इन डायरेक्शन बट एज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन या सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर होता है, लेकिन सेंटर डायरेक्शन नहीं होता, ये मैं आपको क्लास में डिटेल में बता चुका हूं। देखिए बेटा इसके अंदर कहा गया है इफ रेट ऑफ रोटेशन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ रोटेशन इज डिक्रीजिंग का मकसद होता है इसके अंदर एंगुलर डिसलरेशन पैदा होती है, एंगुलर डिसलरेशन, डिसलरेशन के अंदर अल्फा एंड ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये अपोजिटिवली डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलेशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि आपको पता है डिसलरेशन के अंदर एक्सीलेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स यूसीएम, इट्स टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलेशन हो जाएगी जीरो क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर है और रेडियल होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो पहले टेंजेंशियल लिखनी है उसके बाद रेडियल, जीरो वी स्क्वायर अपॉन आर। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम टाइड विद स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलेशन, हाउ मेनी रोटेशंस बॉल विल कंप्लीट इन 5 सेकंड्स, देखिए 5 सेकंड के अंदर बॉल कितनी रोटेशंस करेगा, तो देखिए बेटा नंबर ऑफ रोटेशन जो होती है
डेल्टा थीटा अपान टू पाई होता है। अब आपको जो है वो चाहिए क्या? अब आपको चाहिए डेल्टा थीटा। रेस्ट एन सर्कल रेडियस भी दिया हुआ, कांस्टेंट एंगुलर हाउ मेनी रोटेशंस। डेल्टा थीटा कहीं से आता नहीं है, यहां से तो नहीं आएगा। ये हो जाएगा अल्फा और ये दिया हुआ है मास। मास का तो काम नहीं होगा, ये हमारे पास रेडियस ठीक है, और ये हमारे पास दिया हुआ है टाइम। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स ओमेगा इनिशियल जीरो है ठीक है, तो ओमेगा फाइनल आप कर सकते हैं। पहले आप निकालें ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा, अल्फा है टू और टाइम है फाइव, मीन्स ये हो जाएगा टेन, टेन रेडियन पर सेकंड होगा ठीक है। अब आप निकालें थीटा। थीटा हो जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वाला फार्मूला, अपान हो जाएगा टू अल्फा। तो हो जाएगा ओमेगा फाइनल टेन है हंड्रेड माइनस इनिशियल जीरो है, टू इंटू अल्फा इंटू फोर इज इक्वल टू, सॉरी टू इंटू टू फोर ट्वेंटी फाइव होगा। तो आपको पता है एन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रेडियन अपॉन टू सिक्स पॉइंट टू एट, तो ये हो जाएगा तकरीबन जो है वो फोर के बराबर। द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर अ व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो सेफ स्पीड जो होती है उसका फार्मूला होता है म्यू आर इंटू जी, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, मास से इंडिपेंडेंट होता है ठीक है। ये फार्मूला आपको बता रहा है। अब देखिए 160 है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी कवर्स, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा होती है यूनिफॉर्म। अगर ओमेगा यूनिफॉर्म होगा तो इक्वल इक्वल एंगल्स होगा, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाईव्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 13 रेडियन पर सेकंड, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू 30, ये हो जाएगी ओमेगा इनिशियल और ये हो जाएगी ओमेगा फाइनल, ये हो जाएगा आपका टी। देन हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस वन अपॉन टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। आपके पास अल्फा नहीं है, अल्फा हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, यहां से अल्फा आ जाएगा। कंसीडर टू पॉइंट्स ऑन अ सीडी, वन क्लोज टू द सेंटर एंड वन क्लोज टू द आउटर एज फॉर अ गिवन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सीडी, मार्क करेक्ट स्टेटमेंट। एक सीडी है ठीक है, एक सीडी है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स है, ये सेंट्रल है, एक पॉइंट जो होती है वो हाफ पे क्लोज टू द सेंटर है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का रेडियस जो है आप समझे हाफ ऑफ रेडियस है और बी का आर है ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोई भी चीज रोटेट करेगी तो उसकी सब पॉइंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेंगी, फर्क सिर्फ आएगा किसमें, टेंजेंशियल वेलोसिटी में। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो लीनियर क्वांटिटीज डिफरेंट होती है। बोथ हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी सेम होगी, बट वेलोसिटी टेंजेंशियल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी टेंजेंशियल ऑफ बी एंड द पॉइंट नियर द आउटर एज वुड हैव हायर एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है रेडियस जिसका बड़ा होगा तो बी पॉइंट का रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए जो है वो आप कहोगे कि बी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी।
देखिए इसके अंदर है बॉडी मूव्स अराउंड अ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड. अ बॉय मूव्स अराउंड अ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड. बेटा एक बंदा है, लड़का है, वो कांस्टेंट स्पीड है, मींस यूसीएम है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसकी. ट्रेवल्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कवर करता है. मींस आप सपोज करें ये यहां से ट्रेवल करके पॉइंट पी से ट्रेवल करके पॉइंट क्यू पे आता है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन आता है. कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6.28 मीटर अलोंग द सर्कमफेरेंस. तो ये सर्कमफेरेंस है और कितना डिस्टेंस तय करता है, 6.28 मीटर करता है सर्कमफेरेंस पे. अब सर्किल इन 1 सेकंड, और यहाँ पे टाइम लेता है 1 सेकंड. सिंपल सी बात है, अगर 1 सेकंड में आधा करता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड. इसके ऊपर बड़ा एतराज था आपको, ठीक है. तो आधा सर्किल 1 सेकंड में पूरा किस में होगा, 2 के अंदर होगा ना, या तो नहीं बस दिया 1 सेकंड तो एक ही है. तो खुदा के बंदे पढ़ो तो सही, कहा क्या गया, खाम अगर जिद करके बस अभी के अभी ये बताओ. बोल रहा हूँ भाई मैंने की बनाई है तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, सबर किया करें, अफलातून नहीं बना करें. अब बॉय मूव्स अराउंड अ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड. ही ट्रेवल्स हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6.28 मीटर अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस. जो है वो एस तय करता है along the circumference of the circle in 1 second. Then the magnitude of his acceleration, जो है वो आपको बताना है कि इसकी acceleration का magnitude कितना है. Simple सा question है कि centripetal acceleration होती है r omega square, ये हो जाएगा r omega होता है 2 pi upon t whole square. तो centripetal acceleration हो जाएगी 4 pi square, ठीक है, आर अपन टी स्क्वायर, टी 2 रखोगे 1 नहीं रखोगे, ठीक है, करके देखिएगा. तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं कर लेता हूं बेटा इसके अंदर डेटा लगा के. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगी 4 पाई स्क्वायर इंट रेडियस, रेडियस है 1 अपन, ठीक है, अपन होगा टी, टी का हो जाएगा 4, ठीक है. तो t का अगर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, सही है, 4 जाएगा 4 में. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगी पाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3.14 का स्क्वायर 9.8 होगा, ठीक है, 9.8 होगा इसके अंदर. अरे रेडियस नहीं दिया हुआ, रेडियस मैंने बेटा रेडियस अपनी तरफ से लगाया, रेडियस नहीं दिया हुआ, सॉरी, रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेडियस आपने निकालना है बेटा, ठीक है, रेडियस की वैल्यू नहीं है, रेडियस निकालना है आपको. अब रेडियस कहां से निकालोगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर हो जाएगा एस अपन थीटा, एस 6.28 है और थीटा, थीटा कितनी है बेटा, थीटा हो जाएगी आपके पास हाफ रिवॉल्यूशन के अंदर, थीटा कितनी होती है बेटा, पाई के बराबर, मींस 3.14 के. तो ये हो जाएगा रेडियस 2 बेटा, ठीक है. अब आप डेटा के अंदर रखें तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस 2 है अपन 4, 4 जाएगा 4 में, इज इक्वल टू 9.8, पाई स्क्वायर 9.8 होता है, इज इक्वल टू 19.6 है, ठीक है. अब 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज होता है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है. अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकंड,
स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास रेडियस है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता है होती है टेंजेंशियल स्क्वायर सेंट्रीपिटल स्क्वायर, सेंट्रीपिटल स्क्वायर हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब आप आगे करते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर एंड टू अ क्लॉक टू द एंगुलर स्पीड ऑफ अ क्लॉक टू द एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। बेटा जो घंटे वाला जो होता है कांटा उसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स और जो अर्थ है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स बेटा, क्योंकि अर्थ अपनी स्पिन मोशन 24 में करती है। तो एंगुलर वेलोसिटीज का आपको बताना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड इज इक्वल टू 2π अपॉन टी ऑफ आवर एंड और ये हो जाएगा अर्थ का 2π टी ऑफ अर्थ हो जाएगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा अपॉन अर्थ, आप करके देखिएगा ये आएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 12 2 रेशो 1। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज पाई रेडियन पर सेकंड देन पीरियड ऑफ द रोटेशन, ये ओमेगा है, टाइम पीरियड बताना है। देखिए ओमेगा होता है 2π अपॉन टी हो जाएगा 2π अपॉन ओमेगा। अ रोटेटिंग व्हील कंप्लीट्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर आफ्टर 1 सेकंड, व्हाट इज एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ड्यूरिंग टाइम। देखें एवरेज होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब रोटेटिंग व्हील कंप्लीट्स सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर एक रिवॉल्यूशन। देखिए ये है इसका टाइम पीरियड, मींस टाइम पीरियड है 1 सेकंड, 1 रिवॉल्यूशन के अंदर 1 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 10 लगेंगे। सिंपल सी बात है के सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आफ्टर 1 सेकंड मींस 1 कंप्लीट सर्कुलर पाथ 1 सेकंड के अंदर होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, मींस 10 सेकंड के अंदर कितने हो जाएंगे 10 into हो जाएगा 2π, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 10 रिवॉल्यूशन लगेंगे, 1 रिवॉल्यूशन की थीटा कितनी होती है 2π होती है अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 जाएगा 10 में, ओमेगा एवरेज हो जाएगी 2π के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है ये क्वेश्चन, अ कार मूव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 60 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, एंगुलर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, ठीक है ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा हो जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, ये आपके पास है आर और ये आपके पास है वी। नंबर ऑफ रेडियन पर सेकंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, अ व्हील 80 सेंटीमीटर इन रेडियस इज रोटेटिंग एट 120 rpm, द लीनियर स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए स्पोक। देखिए ये मिड पॉइंट है,
ये रेडियस है, ठीक है, और मिड पॉइंट का जो आर होगा वो आर अपॉन टू होगा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा 40 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस टू, और ओमेगा है 120 टू पाई अपॉन 60 करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, अब देखिए 172 है, व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीजेस एंड द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए स्पीड की बात की गई है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये होता है इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर डिक्रीजेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये किया है, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर किया है। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड अगर रिमेन्स कांस्टेंट तो हम इस सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे, ठीक है। अब देखें इसके बाद है 173 है, टार्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन, ये बताया था आपको क्लास में। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 42 रेडियन इन 4 सेकंड, ठीक है, ये 4 सेकंड में। ओमेगा इनिशियल है 2, ओमेगा फाइनल है 42 और टाइम है 4 सेकंड। इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलेशन पाथ इज 100 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 मीटर, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन टू द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट द एंड ऑफ 13 सेकंड्स। देखिए कितना भी टाइम हो लेकिन उनका जो होता है वो रेशियो सेम रहता है। देखिए अब आप अल्फा करोगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, तो आपको अल्फा मिल जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है इज इक्वल टू आर अल्फा, यहां से करके फिर आपको इनका रेशियो लेना है, तो रेशियो 1:1 आएगा, ठीक है। आफ्टर 13 हो कोई भी हो, जाहिर सी बात है एक्सीलेशन कांस्टेंट होगी मैग्नीट्यूड के अंदर, तो रेशियो सेम आएगा, ठीक है। लास्ट पेज है अपने पास इसका, सॉरी क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर इफ इट परफॉर्म्स 60 रेडियन पर मिनट मीटर मिनट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, सिंपल है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर इफ द ब्रेकिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 100 newton, the maximum velocity with which the body can be revolved. Tension means centrifugal के बराबर होगा, तो ये होगा is equal to mv square upon r, 100 रखोगे mv square upon r calculate करोगे। A car is moving along a horizontal curve of radius 40 meter. देखिए इसका radius कौन सा है? Radius है 40 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार एंड म्यू, म्यू है 1/4, देन इट्स मैक्सिमम सेफ स्पीड म्यू आर इंटू जी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल है ये भी। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका पेपर कंप्लीट है। अब इसके बाद 7 की प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की, जब करवाई तो उस दिन आपको मैसेज करूंगा, उस दिन भले आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी रेगुलर क्लास जो है वो नहीं होगी शाम को,
क्वेश्चंस की 7 की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो जिस दिन करवाऊंगा आपको मैसेज करूंगा, ठीक है।